हेलो फ्रेंड्स, एक्सकवेशन और पीसीसी होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फुटिंग का सरिया बांधने का। पर फुटिंग का सरिया बांधते हुए हमें कुछ खास बातों का ध्यान देना होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि फुटिंग का सरिया बांधते हुए हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना होता है। तो जानने के लिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट मींस सरिया है वह हर तरह की सोइल, रस्ट और मट से फ्री होना चाहिए। मींस उस पर किसी भी तरह का जंग या कीचड़ वगैरह न लगा हो, यह एकदम से क्लीन होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी फुटिंग की जाली है वह एज पर बार बेंडिंग शेड्यूल ही कट होनी चाहिए। अगर बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं है तो फिर जो आपने स्टैंडर्ड साइज रखा है अपनी फुटिंग के लिए उसके हिसाब से कटी होनी चाहिए। तीसरा, जो आपकी फुटिंग जाली के आउटर बार्स हैं वो 90 डिग्री मर्क ऊपर की तरफ बेंड होने चाहिए एक प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए, ताकि ये कंक्रीट में एक अच्छा बॉन्ड बना सके, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। चौथा, फुटिंग मैच का सेंटर फुटिंग के सेंटर से एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। पांचवा, फुटिंग मैच को पीसीसी के टॉप सरफेस पर रखने से पहले आपको पीसीसी का टॉप सरफेस लेवल ट्यूब की मदद से चेक करना है। छठा, आपके कॉलम और फुटिंग में रीइंफोर्समेंट स्टील का डाया 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। फुटिंग में जो स्पेसिंग रखनी है वो आपको 6 इंच रखनी है और कॉलम में मिनिमम 4 बार होने ही चाहिए। इसके बाद जो कॉलम और फुटिंग का टर्मिनेट जंक्शन है वहां मिनिमम 3 रिंग तो जरूर होनी चाहिए और कॉलम में रिंग की स्पेसिंग 6 इंच रखनी है। इसके बाद फुटिंग में कॉलम को खड़े करते हुए जो कॉलम का फुटिंग में एल है वह 300 mm से कम नहीं होना चाहिए, ताकि कंक्रीट में एक प्रॉपर बॉन्डिंग हो सके और प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और कॉलम का साइज कभी भी आपका 9 इंच बाय 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए। बेहतर रहेगा कि आप कॉलम का साइज 9 इंच बाय 12 इंच रखें। तो इन सभी बातों का आपको फुटिंग का सरिया बांधते हुए जरूर ध्यान रखना है। तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और यह जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।